बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद फ्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार बॉयल्ड एग एंड वेज। वेज के साथ मैं स्प्रेड बनाऊंगी इसकी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और हर स्टेप को फॉलो करना है। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। ये लिए मैंने इंग्रीडियंट्स, इसको मैंने व्हाइट सॉस बना लिया है। ये लिए मैंने गाजर क्यूबिक शेप में कट किया है। ये है शिमला मिर्च, ये मैंने एग बॉयल की है और इसको जर्दी से मेहते गोल काट लिए हैं। ये लिए मैंने ब्रेड, इसको तवे पे मैंने सेक लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के। चार ब्रेड मैंने ली है। ये लिया है मैंने एम्प्टी बाउल, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाइट सॉस जो मैंने खुद बनाया है। नमक, काली मिर्च डाल के इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिमम, क्यूबिक शेप में कट किया हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूबिक शेप में कटी हुई गाजर, दो चम्मच ली है मैंने ये, और कैप्सिमम था एक चम्मच, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारी मज़े की सॉस जो है बनके तैयार हो गई है। आप जितना सिंपल बनाएंगे उतनी आपकी जो डिश है वो बहुत मज़े की बनेगी। ये लिए है मैंने चार स्लाइस, इन दो पे लगाऊंगी मैं स्प्रेड जो मैंने खुद तैयार की है। इसका जायका सबसे हटके होता है और बहुत डिलीशियस है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये नाश्ते में बहुत ज़बरदस्त लगती है, इसको केचप के साथ खाएं। इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड पर भी स्प्रेड जो है वो लगा दूँगी। ये मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी, हमारी जो अम्मी है वो हमें बना बना के ये खिलाती थी। इसका जायका बहुत मज़े का होता है, तो मुझे आज याद आया है, मैंने कहा चलो क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी जो है शेयर की जाए। स्प्रेड लगाने के बाद ये है एग बॉयल जो मैंने आपको दिखाए हैं। एक आपने साइड रखनी है इसकी जर्दी वाली, एक रखनी है जर्दी के बगैर। इसी तरह मैं दूसरे ब्रेड पर भी रख लूँगी। एग्स रखने के बाद आपने कर देना है जिस स्लाइस को फोल्ड, बंद कर देना है स्लाइस को जो हमने पड़ा हुआ है। चलिए जी, ब्रेड सैंडविच जो हमारे बनके तैयार हैं। अब मैं इनकी करने लगी हूँ जी कटिंग। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस सा ज़बरदस्त एग भी साथ हो गया इसके, जो वो गैरेट्स है न्यूट्रिशन वो भी पूरी हो गई हमारी। अब मैं ऐसे कर रही हूँ कटिंग, दो मैं करूँगी इस साइड से क्योंकि जो एग्स हैं इस साइड से आ जाएंगे, अगर उस साइड से करेंगे तो दो एग इस साइड से आ जाएंगे, इसलिए कटिंग आप जौन सी मर्जी कर लें। और बाकी जो शेप है मैं कर रही हूँ स्क्वायर में। कटिंग आपने इसकी एहतियात से करनी है, कहीं आगे पीछे ब्रेड ना हो जाए, फिर आपकी ब्रेड टेढ़ी हो जाएगी। ये है जी हमारे सैंडविच की फाइनल लुक, बहुत ज़बरदस्त कटा हुआ है और माउथ वाटरिंग है। आप इसको नाश्ते में खाएं, इवनिंग में खाएं, आपकी मर्जी है, और चाय के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं।